हमने FIR में दर्ज कराया वही है सर, ये उनका किस तरह मर्डर हुआ है बेरहमी से, इसकी हमें न्याय मिलना चाहिए। सुधीर की क्या भूमिका लगती है आपको इस पूरे मामले में, और जो साथ में सुखविंदर था उसको लेकर के आपके सामने क्या क्या है वहाँ पर गोवा में जो आपने देखा, और इससे पहले परिवार में क्या कुछ रहता था? ये दोनों मोहरे हैं और इसका असली चेहरा CBI में ही साफ होगा। अगर ये दोनों मोहरे हैं तो आपको लगता है कि कोई पॉलिटिकल षड्यंत्र हुआ है सुनाने की? ये CBI, तभी हमने CBI इंक्वायरी की मांग की है। CBI इंक्वायरी में बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आपको किसी पे शक है? किसी पे भी शक? सोनाली ने कभी आपसे इस बारे में? हमें तो क्लियर था कि सुधीर सांगवान और उसके दोस्त हैं, लेकिन अब इसमें कुछ और नया आएगा। पॉलिटिकली कौन कौन लोग आपको लगता है, क्या सत्ता से जुड़े लोग हैं या फिर कोई बहुत पावरफुल कोई बड़े चेहरे जो इस जांच को पुलिस के लिए प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए CBI की जांच मांग की? जी बिल्कुल, हमें लगा ऐसा कि कोई एविडेंस छुपाए जा रहे हैं और सिर्फ वही केस घुमाया जा रहा है, और मेडिकल रिपोर्ट में भी जिस तरह ब्लंट इंजरी दी गई थी तो उसमें एक क्लियर नहीं हुआ था कि ये ब्लंट इंजरी डेड होने से पहले की है या डेड होने के बाद। ओमबीर जो है वहाँ के जो पुलिस इंस्पेक्टर है उनका ये कहना कि शायद ये चोटें जो है उन्हें यहाँ लाने में लग गई होंगी, इस तरीके की जो बात कहना, इसको कैसे देखते हैं आप जो निकल करके सामने आए? गोवा DGP जसपाल संधू जी, उनके बयान काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं, लेकिन ओमबीर बिश्नोई IG वहाँ उन्होंने बयान दिया कि ये डेथ के बाद में भी चोटें हो सकती है, स्ट्रेचर से गिरने से बॉडी को चोटें लग गई या जिस तरह गाड़ी में डालते वक्त, तो उनके बयान जिस तरह आपस में मैच भी नहीं हो रहे थे, क्या पता कुछ वहाँ छिपाया जा रहा था या कुछ खुल के सामने नहीं आ रहा था, इसके कारण इसी वजह से हमने CBI फार्म हाउस से कौन कौन सी चीजें गायब हुई हैं आपके जो फार्म हाउस है? फार्म हाउस से इस मर्डर के बाद में जिस तरह सुधीर सांगवान है गोवा में था, तो उसके दौरान उसने अपने किसी बंदे को भेजकर सोनाली के फार्म हाउस से उनका मोबाइल, लैपटॉप और जो DVR CCTV फुटेज की जो DVR है वो गायब करवा दी। सोनाली ने कभी जिक्र किया आपसे कि इसके पीछे कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है, उनकी हत्या का या उनको तंग करने का किसी तरह की कोई शक जाहिर किया? शक कभी किसी से थ्रेट आया हो, कोई धमकी आई हो उनको, ऐसी बातचीत की आपसे? ये लास्ट नाइट बातें हुई थी हमारे परिवार के साथ और करीब लास्ट 10:30 बजे तक फोन पे बातें हुई है, उसके बाद उनको किस पर्पज से और कैसे उस क्लब में ले जाया गया और ये सब कुछ घटना। सुधीर सांगवान जब से सोनाली के संपर्क में आया था, क्या परिवार वालों के साथ वही संबंध था जो उसके संपर्क में आने से पहले रहता था, या परिवार से बिल्कुल काट लिया था सोनाली को? परिवार और रिश्तेदार और जो BJP के कार्यकर्ता जो समर्पित कार्यकर्ता थे उनको सोनाली जी से लगभग दूर कर दिया गया। अभी आपको ये लगता है आपने देखा रिंकू ढाका यहाँ पर मौजूद थे?